ओहो ये है अच्छा है। ओ ये अलग है, ये पुष्पा के भाई दे रहा है मुझे भाई, नो डाउट। जंगल की लड़ाई, जंगल के लिए लड़ाई। तो हाँ दोस्तों, उड़िया मूवी मलयागिरी का ऑफिशियल ट्रेलर आ गया है। चलिए दोस्तों उसको रिएक्शन करते हैं। इसमें लीड में आपने पता है बाबूसन जो दमन का स्टार है वो बहुत ही ज़्यादा हिट हो गया है, और उनका मूवी आया तो हम लोग को रिएक्शन करना बनता है। और इसका टीजर में रिएक्शन किया हूँ, अच्छा लगा था। अब ट्रेलर कैसा है, बाबूसन और अमला के स्टार ये मूवी होने वाला है। बिना किसी देरी के स्टार्ट मलयागिरी। ओके या बारो दियो बहुत खराब अछि। ओके जंगल भीतर उसके पास जड़ी बूटी दरकार, जड़ी बूटी के अपन जल्दी ए बहुत जल्दी ए उसका पापा मर गया। ओके ओके तू यदि तोर बा को नुआ जीवन देवार लागि चाहुचु ताले निज जीवन को पानी छड़े किनी जंगल भीतर को जा, ईश्वर को स्मरण करी संजीवनी नहीं आ। ए संजीवनी है जंगल में, तुम्हें बाप को जीना चाहते हो तो। ओके अमित कुमार अच्छा है भाई, बहुत ही कम लगाने में अच्छा क्वालिटी है। दक्षिण जंगल को जीवन डायलॉग डिलीवरी भी अच्छा है, नो डाउट अच्छा है। ओहो एक्शन एंट्री राइट बाबूसन इंप्रेसिव। गौरव आनंद का म्यूजिक। ओके ये पुष्पा का वाइब दे रहा है, जो भी बोलो पुष्पा का वाइब दे रहा है मूवी। ओके इंप्रेसिव अच्छा है भाई। ताको इंदी अनने की बोले किछि होबनी भाई, जा करबा हमने कर हम भी तो पहाड़ी लोग। ओ हो हाय, ओ ये अलग है, ये पुष्पा के भाई दे रहा है मुझे भाई, नो डाउट। जंगल की लड़ाई, जंगल के लिए लड़ाई। ताको लूटपाट पशु मारुचु ए मोय पैसा देछि मोर बा लागी तोर मजा लागी नुएबे। मैं पैसा दे रहा हूँ मेरे पापा के लिए, तुम्हारे लिए नहीं, तुम्हारे मजा के लिए नहीं। अच्छा है सिनेमेटोग्राफी इंप्रेसिव, मुझे अच्छा लगा कि सुना टंगिया ए गोल्ड की टांगी, सुना टंगिया ये वही कहानी है क्या कि एक गोल्ड का टांगी था। मल्यागिरी उड़िया भाषा में लिखा है, पृथ्वीराज पत्र अक्टूबर अनवर्स। ओके लास्ट में अक्टूबर में आ रहा है। ओके अक्टूबर के लास्ट में लगभग, आज तो 19 हो ही गया, मतलब 27 तारीख को शायद ये मूवी आने वाला, 27 अक्टूबर को। देखो अच्छा था, फिर से देखते हैं इसको क्योंकि ये अच्छा है। मुझे इसमें इम्प्रेसिव क्या लगा, वो क्वालिटी अच्छा है, डायलॉग डिलीवरी भी, एक्टिंग और स्टोरी भी इम्प्रेसिव, पूरा पुष्पा के भाई रहा है। या बारो दियो बहुत खराब अछि, जंगल भी इमोशनल भी है, बाप को मारने रहा है, बाप के लिए तो थोड़ा इमोशनल बन जाते हैं आदमी। बाबूसन की एक्टिंग अच्छा है, और ये अपना बहुत ही मोटा गया ना। तू ही यदि तोर बा को नुआ जीवन दबार लागि चाहुछु ताहेले तोर बाप को जीने के लिए छोड़े कि नहीं जंगल भीतर को जा, ईश्वर को स्मरण, जंगल के मतलब संजीवनी नहीं, भगवान के स्मरण करने वाला संजीवनी मिलेगा, तुम जंगल में जाओ। ओके मलयागिरी के भगवान को देखने के लिए मलयागिरी का राजा से भेंट करना पड़ेगा। ओहो ये है राजा अमलान, ओहो एंट्री अच्छा है अमलान का, अमित कुमार दास। ओहो जंगल को जीवन डायलॉग गुटे किए रहबो ना, डायलॉग कैसे नो डाउट। ओके जाय के तो लाला भाई को कह देबे, कह देबे मल्यगिरी कहा बार हमे से मल्यगिरी ऊपर रहिले मोय मल्यगिरी तलर रूट में रूट के आइट।
डायलॉग। ये मूवी देखो पुष्पा जैसा तो बिल्कुल नहीं है, पर जो वाइब है ना जंगल वाला, वहाँ पे इमोशनल जंगल के लिए, ये सब पुष्पा के वाइब देता है। हमें जी बनी ताको इंदी होने की बोले किछि होबो नहीं भाई। हमें कर रहा है, हम भी तो पहाड़ी लोग, हमें तो मलाई गए है। ये एक्टिंग अच्छा है। अच्छा है भाई, इंप्रेसिव। कम लगानी में ऐसे मूवी इंप्रेसिव। कलर ग्रेडिंग ऑरेंज एंड टील है, ऑरेंज एंड टील कलर ग्रेडिंग। तुम्हार मजा के लगे नहीं? इंप्रेसिव इंप्रेसिव भाई, इंप्रेसिव, नो डाउट इंप्रेसिव। ये भी फूटेगा, पर इसको हिंदी में भी नहीं आ रहा शायद, मुझे लग रहा है। सुना टंग के लिए जंगल में जा रहा है। ओके, कहानी इंप्रेसिव। मल्लयागिरी पर पृथ्वीराज। देखो सबसे पहले इसमें जो कहानी है बाप के, इमोशनल के, बाप के बचाने के लिए जाओ तुम जंगल में, वहाँ पे संजीवनी मिलेगा, उससे तुम्हारे बाप बचेगा। अब वहाँ पर जाएगा तो वो सोना का टांगी मिलने की जो कहानी है वो आएगा, और धीरे धीरे जो संजीवनी लेना जाएगा ना वहीं पे साथ सोना का टांगी मिलेगा। तो ये अम्लान जो मल्लयागिरी जंगल है ना, वहाँ के राजा है, कहते हैं वहाँ का भगवान से भेंट करने से पहले राजा से भेंट करो। और वहाँ पर जो गैंगस्टर टाइप होता है ना, मतलब कि मैं पूरा जंगल को मैं ही मतलब राज करता हूँ, तो उससे मिलकर या उसके साथ अगर जाकर खोजेगा कि मैं संजीवनी लाऊं तो मेरे बाप बचेगा। और वहां पे जाते जाते ये सोना टांगी की कहानी आएगा, और उसके बाद में जो इसमें स्टोरी में है, स्टोरी इंप्रेसिव है। कलर ग्रेडिंग बहुत ही कम लगाने, 1 करोड़ में शायद बना होगा, वो भी नहीं बना होगा, 50 लाख 60 लाख में बना होगा। उड़िया इंडस्ट्री का उतना रुपया कहाँ है, बहुत ही कम लगाने में। पर जो कलर ग्रेडिंग है, जो ओरिजिनल है, ओरिजिनल कलर ग्रेडिंग जो ठीक ही होता है। उसके बाद में जो एक्टिंग स्पेशली भुवसन का, बाबूसन के, उसके बाद में अपना अम्लान के, एक्टिंग बहुत ही इम्पैक्टफुल है। डायलॉग डिलीवरी और जो भाई है ना, मैं नहीं बोलूँगा कि ये पुष्पा जैसा है, पुष्पा का कहानी एक भी नहीं मिल रहा है, पर जो भाई है ना जंगल, जंगल के लिए मैं पहले भी बोला हूँ अभी बोल रहा हूँ, जो जंगल की भाई है, जंगल में कहानी है, तो उससे लग रहा है कि पुष्पा जैसा भाई है, पुष्पा के कहानी के जैसा रूटेड कहानी है। तो ये अच्छा है, रूटेड कहानी लोगों को पसंद आता है। और ये मूवी लगभग 27 अक्टूबर को आ रहा है, तो ठीक ही टाइम तो ठीक ही है। आप देखो ये मूवी के वर्ड ऑफ माउथ अगर अच्छा होगा, ये मूवी अच्छे से निकलेगा, लोग इसको बाई करेंगे। और वैसे ही जो दमन के लिए पहले उड़िया में रिलीज हुआ था, और उसके बाद में लोग मांग करेंगे तो हिंदी में भी आएगा। और मुझे लगता है इसका जो प्रोड्यूसर होगा या जो इसका मेकर होगा, वो सोचता होगा कि मैं ये पहले उड़िया में हिट करा दूँ, उसके बाद में मैं हिंदी में जरूर रिलीज करूंगा, क्योंकि बाबूसन के हिंदी में थोड़ा मार्केट बन गया है, उनका स्टार्डम आया है हिंदी में दमन के बाद में। तो अच्छा है मूवी, अच्छा है, इंप्रेसिव है, बहुत ही कमाल के। तो आप लोग ये मूवी का नहीं देखे हो मल्लयागिरी का, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और देख लीजिए। तो प्लीज कमेंट कीजिए कैसा लगा, और आप लोग बाबूसन की एक्टिंग या अम्लान की एक्टिंग या जो भी एक्टिंग या जो कहानी या जो भी अच्छा लगा हो, तो प्लीज कमेंट कीजिए और ऐसे सपोर्ट कीजिए। और भी कमाल कमाल के इसमें ट्रेलर टीजर को रिएक्शन आएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। चलिए दोस्तों, धन्यवाद।